सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे। और काफ़ी टाइम के बाद मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार ब्लॉग लेके आया हूँ, जिसमें हम जाने वाले हैं, मैं और मेरी वाइफ, हम जाने वाले हैं एक लंबे टूर पे, जो कि एकदम सस्पेंस में रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, कहीं भी स्किप ना करें। बाय। तो गाइस, हम आ चुके हैं इंदौर के रेलवे स्टेशन और ये हमारी ट्रेन है नर्मदा एक्सप्रेस। हम जाने वाले हैं पहले भोपाल और ये हमारा लगेज है और ये मेरी वाइफ। तो गाइस, फाइनली हम बैठ चुके हैं ट्रेन में, हमारी ट्रेन निकल चुकी है और स्टार्ट हो चुकी है हमारी हैप्पी जर्नी। तो गाइस, हम उतर चुके हैं भोपाल, जस्ट अभी हमारी ट्रेन रुकी है और अब हम जाने वाले हैं दिल्ली। ये हमारा लगेज। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ठंड है, मिनी मनाली नहीं बोल सकते इसको। सो गाइस, हमारी ट्रेन जो है वो रूट चेंज होने के कारण काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है। तो गाइस, फाइनली अब 8 घंटे ट्रेवल करने के बाद, 8 घंटे लेट होने के बाद, टोटल 16 घंटे ट्रेवल करने के बाद हम पहुंच चुके हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और अब हम जाने वाले हैं शिमला। अभी हम आ चुके हैं दिल्ली के कश्मीरी गेट और ये हमारी बस से बोलूँ जिससे हम जाने वाले हैं शिमला, जो कि मॉर्निंग में पहुँचे। ये हमारा रूम है और ये हमारा पास है, इसको हम लगाएंगे, गेट ओपन होगा। यहाँ से भी व्यू काफी अच्छा है। सो हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और हम अभी हैं शिमला में और अभी हमने ब्रेकफास्ट किया और पीछे आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। गाइस, हम हो चुके हैं रेडी कुफरी जाने के लिए और ये हमारे ट्रेवलर जिससे हम जाने वाले। कमल, ब्लॉग के लिए बना रहे? हम आ चुके हैं कुफरी और हम जाने वाले हैं एडवेंचर के लिए और ट्रेकिंग के लिए और कई सारे गेम्स खेलने के लिए। बहुत सारे गेम्स खेलने जा रहे हैं। चलिए, वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें और देखते रहें। हमारे साथ में है और भी ब्लॉग और देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू, ये सारे ट्रेवलर है और रिटर्न में हमको 2 बजे तक वापस आना है। इधर बहुत ठंड है।
बहुत ज़्यादा ठंडी है गाइस। और हम जब सुबह आए थे यहाँ पर शिमला, सुबह सुबह मॉर्निंग में आए थे 5:30 बजे के समथिंग, तब यहाँ पर जो टेम्परेचर था आप यकीन नहीं करेंगे, टेम्परेचर जो था वो 2 डिग्री सेल्सियस था, 2 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। और अभी हम और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। देखो इनसे ले आप अपना लेंस सबसे जितने आगे आगे आगे, तो हमारे पास ये घोड़े के जितने भी है जिनसे कि हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जा रहे हैं बीच रास्ते में। तो गाइस इसी तरह से ही 8 किलोमीटर का रास्ता है, इसी तरह कंटिन्यू चलता रहना है हमें, पूरा ऊपर जाकर हम आपको बताते हैं ऊपर का व्यू क्या। ये देखो गाइस इनको याक बोलते हैं, जो कि आप बचपन से इंग्लिश में पढ़ते आ रहे थे। यहाँ पे आपको फोटोशूट के लिए मिल जाते हैं, आप इस पे फोटोशूट करा सकते हैं गन के साथ में। और एक हमारा ये छोटू बहुत क्यूट है, शायद शिमला का खरगोश है ना, इसलिए उसके बाल बहुत ज्यादा बड़े बड़े, उसको शायद अलग से तेल लगाते होंगे बाल बड़े करने के लिए। कुफरी फन वर्ल्ड नीचे वसोपाल, ये कोई और शिमला आए और अगर यहाँ नहीं आए तो आप नहीं, कुछ नहीं हुआ। एप्पल ग्रीन वाला, हम इधर हमारे घर से खा लेंगे ग्रीन। गाइस यहाँ पर धूल काफी ज्यादा है, ऑफ रोड ऑफ ट्रैकिंग कर रहे हैं, ऑफ रोडिंग होता है ऑफ ट्रैकिंग कर रहे हैं। गाइस सामने का व्यू देखो आप, कितना सही बना कितना हुआ क्या सब, कितना प्यारा। अरे उनका पूरा बिजनेस और सब कुछ वगैरह सब यही है, होटल्स वगैरह। हम पता है सुबह आए थे तब 2 डिग्री सेल्सियस था, हमने गूगल पे सर्च करके देखा, सुबह सुबह आए 5:30 बजे। आप लेट हुए थे क्या? हाँ हम लेट हो गए थे, 8 घंटे लेट थे, 10 घंटे लेट थे हमारी ट्रेन। आप लोगों की नींद भी नहीं हुई बराबर? नहीं हुई ना, नहीं। तो गाइस ये जो धूल, ये देखो कैसे पैर रख रहे हैं, पूरे पैर धूल में, अरे बहुत खतरनाक वाली धूल जमी हुई है, एकदम धीरे धीरे स्लो मोशन में चलना पड़ेगा। वो देखो गाइस आपको जो सामने जगह दिख रही है सीढ़ी जैसी, वहां पर जाने वाले हैं। ये देखो सुजुकी का पावर, ये ऊपर तक जाएगी, इसमें भी लोग बैठे हुए हैं। सो गाइस हम जो है राइडिंग पूरी कंप्लीट करके ऊपर आ चुके हैं और हम जा रहे हैं मेन व्यू दिखाने, जो कि आपके सामने है। ये भी साथ में है मेरी वाइफ। ये बार बार आगे पीछे, हम क्या आगे पीछे होते रहते हैं, काफी ज्यादा रश है यहाँ पर। ये आसपास देख सकते हैं स्टॉल दिख रही होगी आपको, हाँ हाँ ये देखो मैगी यहाँ पर भी मिलती है, मैगी ऑल अराउंड ऑल इंडिया में मिलती है मैगी, तो कहीं पे भी चले ऑल इंडिया में मतलब आउटडोर। हाँ याद है ना, लेंगे लेंगे। तो गाइस हम चलते हैं टॉप पर और उसके बाद आपको दिखाते हैं सामने का व्यू, कुछ फोटोग्राफी वगैरह भी करेंगे। पता नहीं वैसे आप जानते क्या सबसे फेमस क्या है यहाँ पे? मैगी है, बर्गर है, आलू टिक्की है, छोले कुलचे है। नहीं जैसे ये कुफरी का कुछ फेमस हो शिमला का, मैगी है जी यहाँ का, मैगी यहाँ पे मिलती है। चलो बढ़िया,
किचन काम करते ना तुम गाइस। वैसे तो इधर ज्यादातर विंटर के क्लोथ्स ही मिलेंगे और मैगी मिलेगी। हाँ इनका बिजनेस भी यही है। चलो गाइस हम ऊपर चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं टेलीस्कोप पॉइंट पे और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे पूरे शिमला का व्यू दिखेगा यहाँ पर। ये देखो हाय। सो गाइस ये हमारा किंग हिल्स नाम से ग्रुप है और हम सभी ग्रुप से साथ में चल रहे हैं। हम 22 मेंबर्स हैं। बहुत ही शानदार व्यू है। आ जाओ कहाँ से किधर आई टेबल पे आइए। सारा आदमी जानकारी लीजिए यहाँ से क्या दिखता क्या दिखाते हैं टेलीस्कोप के द्वारा इसके बारे में जानकारी। ये जो लिखे हुए पॉइंट है हम टेलीस्कोप के द्वारा दिखा रहे हैं। दूर दूर के पॉइंट है हिस्टोरिकल पॉइंट है यहाँ से हिमाचल की वादियाँ दिखती है। इसमें दिखाते हैं सबसे पहले फागू टॉपिक दुर्गा माता का टेम्पल। प्राचीन काल का टेम्पल है हजारों साल पुराना महाभारत के टेम्पल का ये टेम्पल बनाया पानी यहाँ से सात आठ। होटल कॉम्प्लेक्स फागू जहाँ पर 19th सेंचुरी में शिमला एग्रीमेंट हुआ। इंडियन पाकिस्तान इंदिरा गांधी जुल्फिकार अली भुट्टो की फर्स्ट बैठक इसका दो तीन जगह बैठक हुआ सिग्नेचर हुआ गवर्नर हाउस। शूटिंग स्पॉट जहाँ पर हिंदी फिल्में बनती है रिचेस्ट एंड ब्यूटीफुल विलेज शिमला। शिमला का सबसे अमीर गांव सुंदर गांव चंदन और देवदार की लकड़ी से बना गांव एप्पल की वजह से फेमस है। हाईएस्ट पीक शिमला शीतला माता का टेम्पल है यहाँ से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी में जिसके नाम से शिमला सिटी नाम पड़ा। पैलेस दिखाते हैं किंग ऑफ पटियाला महाराजा भूपिंदर सिंह का महल यहाँ पर जिनकी कभी 365 रानी है। बहुत ही सुंदर महल आपने 365 रानियां मूवी देखा है। अच्छा ये वही है 3 Idiots फिल्म देखा है आपने ठीक है। उसमें दिखाते हैं इनका महल चांचल हाउस रन छोटा जो चांचल का घर है वही राजा का महल है। और ये राजा कौन है कैप्टन अमरिंदर सिंह के दादा जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे। कामरू का बक्सा टेम्पल जिनकी स्थापना हिमाचल में की गई और इंडो चाइना बॉर्डर टॉप जहाँ पर हमारा लास्ट मिले थे। दूर दूर के आठ पॉइंट दिखाते हैं जी टूडेड चार्ज निगाह बाकी पूरा जानकारी पर मिलेगा दिखाते सब। हमारा आदमी आपके साथ रहेगा आपको एक एक पॉइंट सेट करके देगा पूरी जानकारी सब पूरा पॉइंट देखो जवान यहाँ का मेन आइटम है। ये जगह क्यों फेमस है या तो बर्फ गिरता है यहाँ पर बर्फ साल गिर नहीं रहा या वादियाँ दिखती है नजारा दिखता है यहाँ से पूरा हिमाचल दिखता है यहाँ से आगे जितना भी बाकी रहता है करीब। सो गाइस आप जो ये देख रहे हैं वो टेलीस्कोप पॉइंट है यहाँ से हिमाचल का पूरा व्यू दिखता है और कई हिस्टोरिकल प्लेसेस भी।
तो गाइस आप जो ये देख रहे हैं ये है एप्पल गार्डन। एप्पल तो दिखेंगे नहीं आपको, एप्पल के ट्रीज दिखेंगे, खाली 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 एप्पल जो है तोड़ चुके हैं। हाँ ये मैं यही तो ढूंढ रहा था। चलो चलो नहीं 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 चलेंगे, अरे मजा आएगा। हेलो गाइस, तो अभी गोपाल जी थोड़ा सा बिजी है तो मैं आई हूँ वैकांशी उनकी वाइफ। ठीक है, ये एप्पल गार्डन है जो कि मैं आपको पीछे की साइड दिखा रही हूँ और ये है मैगी। ठीक है, हम लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, हम लोग एडवेंचर पे निकले थे तो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद देखो ये हमारा ग्रुप है, हाय करो। और ये भी हमारे ग्रुप में ऐड है, थोड़ा सा दूर है तो ठीक है चलेगा। तो अब हमारी मैगी आएगी, उसके बाद में हम इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। ओके थैंक यू जी। हमारी मैगी आ चुकी है, थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। देखो शिमला की मैगी, स्पेशल मेरी चीज वाली मैगी। और ये पूरा एप्पल गार्डन है, इसमें एप्पल नहीं है। अभी हम खा रहे हैं एप्पल जो कि एप्पल गार्डन के हैं। देखो गाइस हमको पेड़ पे तो नहीं मिले, पेड़ पे तो नहीं मिले, यहाँ तो मिली गए। वैसे मैं फैक्ट बता देता हूँ, जो एप्पल जो है वो स्टोर करके रखते हैं और मार्च और अप्रैल में आते हैं। अभी हमको 50 रुपीस मिला है। ठीक है, 50 रुपीस मिला, अगर आप खाने हो ना 50 रुपीस देना। ठीक है ठीक है, चलो अब हम नीचे जा रहे हैं जिनसे हम ऊपर आए थे घोड़ों से। अब उन्हीं के ऊपर उनकी स्पीड दोगुनी हो जाएगी और हम अपन जाएंगे, उन्हीं से जाएंगे हम, तब खाते खाते जा रहे पैदल पैदल। बंद करो, हम वापस नीचे आ चुके हैं, जिससे हम ऊपर गए थे उसी से नीचे आए, उसी तरह नीचे आए वापस। अब हम जा रहे हैं वापस हमारी ट्रेवलर के पास में। ये देखिए गाइस यहाँ पर कितना रश रहता है। यही वो जगह है जहाँ पर 3 Idiots मूवी की शूटिंग हुई थी, वो वहाँ पर खड़े थे तीनों। चलो तो गाइस आप वो जो मूर्ति देख रहे हैं वो हनुमान जी की मूर्ति है, वो भी 108 फीट की है, यहाँ पर भी है। पर हम जाने वाले हैं शिमला के मॉल रोड मार्केट में। सो गाइस आपने अभी जो देखा वो यहाँ की पुलिस की ड्रेस है, शिमला पुलिस की। यहाँ पर इंडिया का फ्लैग लगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है।
ये 3000 रुपए का कोर्स है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस ये पूरा मार्केट था शिमला मॉल का, और हम ये पूरा घूम चुके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो राजवाड़ा के मॉल बाजार जैसे ही है, मार्केट जैसी ही है, और हम पूरा घूम चुके हैं। अब हम वापस जा रहे हैं, यहाँ से हम आए थे।